2022-23 के लिए आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता भारत को जानू में सेंट्रल रीजन का प्रतिनिधित्व करने हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय वैशाली नगर की दो छात्राओं की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता चार चरणों में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रथम चरण में भिलाई के एक निजी स्कूल में दुर्ग जिले की टीमों ने हिस्सा लिया। उसमें भी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की टीम ने बाजी मारी और प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऐसे ही बाकी के दो चरणों में भी, जो क्रमशः कोरबा और उज्जैन में आयोजित की गई, उसमें भी इस टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और सेंट्रल रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए दिल्ली रवाना हो गई और दिल्ली में आयोजित अंतिम चरण की प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। विद्यार्थियों ने बताया कि इनकी इस सफलता के पीछे स्कूल की शिक्षिका रितु हांडा और स्कूल की प्राचार्य श्रीमती संगीता सिंह बघेल का अविस्मरणीय योगदान प्राप्त हुआ है। सेंट्रल रीजन टीम के दोनों ही सदस्यों ने अपने इस अनुभव को न्यूज टीम से साझा किया है। सर, सबसे पहले तो जब हमें बताया गया था, उस टाइम सिर्फ एक हफ्ता का समय बचा था कि हम अंतर्राज्यीय स्तर पर ये प्रतियोगिता कर पाएँ, पर उसमें हमारी इंचार्ज मैम हांडा मैम ने बताया हमें, और प्रिंसिपल मैम, सभी टीचर्स का भी पूरा मार्गदर्शन रहा। तब हम जो हमें बुक मिली थी उसे आधा आधा पोर्शन बांटे, फिर उसके बाद हम तैयारी किए, फिर हम KPS में सेलेक्ट हुए। उसके बाद फिर हमें कोरबा जाने का मौका मिला, वहाँ पे भी हम सेलेक्ट हुए। फिर उज्जैन जाने का मौका मिला हमें, वहाँ पे भी हमारा काफ़ी सारा अनुभव रहा। फिर उसके बाद हम जो सोचे नहीं थे, वो हमें राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता देखने को मिला, जो कि एक बस इच्छा थी कभी करना है, वो हमें इस एज में करने को मिला। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, और हम राष्ट्रीय स्तर में काफ़ी सारा अनुभव हुआ, हमें एक प्लेटफॉर्म देख पाए जो कि नेशनल लेवल का हमें मिला था, और इसमें हमें काफ़ी सारा नई नई चीज़ें देखने को मिली। एक स्कूल के लिए हमारी ये उपलब्धि है, हमारे लिए भी उपलब्धि है। हमें वहाँ पे भिलाई का प्रेजेंट करना था, छत्तीसगढ़ को हमने रिप्रेजेंट किया, मध्य रीजन को प्रेजेंट किया, ये हमारे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक समय ऐसा आया था जहाँ आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद हम इस प्रतियोगिता में आगे न जा पाए, न बढ़ पाए, क्या था, बताएंगे इसके बारे में? सर, वो टाइम तो एक टाइम आया था जब हम स्टेट लेवल में जाने वाले थे, तो उस टाइम भी हमारे सभी टीचर्स ने मार्गदर्शन किया, प्रिंसिपल मैम का भी मार्गदर्शन रहा, फिर उससे हमें प्रेरणा मिली, तभी हम एक कॉन्फिडेंट होकर जा पाए और इतना कुछ कर पाए। सर, हम लोग को ये चार लेवल में ये हम लोग दिए हैं। फर्स्ट लेवल जो था वो KPS नेहरू नगर में हुआ था, तो हम लोग वहाँ पे फर्स्ट आए। उसके बाद हम लोगों को कोरबा जाने का मौका मिला, वहाँ पे भी हम लोगों ने अपना पूरा मेहनत करके वहाँ पे भी हम लोग फर्स्ट आए। उसके बाद हम लोग उज्जैन गए थे, जहाँ पे हम लोग सोचे हाँ यहाँ बहुत मुश्किल पड़ रहा है, तो हमारी टीचर्स का मार्गदर्शन रहा, हमारे प्रिंसिपल मैम का मार्गदर्शन रहा, जिससे हम लोग को बहुत प्रेरणा मिली कि नहीं, हमें हमारे स्कूल का नाम रोशन करना है। इस प्रेरणा से हम लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए, जिससे हम लोग नेशनल लेवल में जा सके, और नेशनल लेवल में भी बहुत मुश्किल थे, फिर भी हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की और हम लोग फोर्थ पोजीशन में आए। ये जो अनुभव है, जो अनुभव आपको इस प्रतियोगिता का हुआ है, कहाँ चूक हुई है वो आपको पता है कि कहाँ आप चूके? आने वाले समय में क्या अपेक्षा रखती हैं आप लोगों की, तैयारी कैसी होगी अगर इस तरह की प्रतियोगिताओं में आपको शामिल होने का मौका मिलेगा तो? सर, हमें हमारी शिक्षकों की मार्गदर्शन से हमारा ये जो है प्रयास वो और अच्छा से हो पाएगा, क्योंकि इस बार हमने थोड़ा कम समय में तैयारी करना शुरू किया था। पहली बार में तो हम लोगों को सिर्फ 7 दिन का समय मिला था, तो इस कारण हम कम तैयारी कर सके। अगली बार हम ये प्रयास करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से तैयारी कर सके और पूरी तरह से कर सके। इस टीम को परिपक्व बनाने के लिए इन्हें तपा तपा कर कुंदन बनाने वाली मार्गदर्शिका और विद्यालय की शिक्षिका रितु हांडा ने बताया कि जब उन्हें प्रतियोगिता के बारे में पता चला, तो उन्होंने साला की सबसे दो होनहार छात्राओं को चयनित किया।
और उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देकर ऐसा तैयार किया कि आज यह दोनों छात्राएं स्कूल के साथ साथ पूरे प्रदेश का और सेंट्रल रीजन का नाम रोशन कर रही हैं। विद्यालय की प्राचार्य ने भी दोनों ही छात्राओं की विलक्षण शक्तियों की जानकारी देते हुए विद्यालय की सबसे होनहार छात्राएं बताया और पूरे शाला परिवार की तरफ से इन बच्चियों को शुभकामनाएं भी दी। हमारी शाला की प्राचार्य मैडम बघेल मैडम ने हमको बताया कि भारत विकास परिषद के द्वारा एक प्रतियोगिता कराई जा रही है, भारत को जानो। इसके संबंध में मैडम ने बोला कि आप ऐसे बच्चों का चयन करिए जो इसमें पार्टिसिपेट करें और अपना भरसक परिणाम दे सकें। तो मैंने शाला की कुछ छात्राओं को प्रश्नों के द्वारा उनसे जानकारी ली तो जाना कि ये दो बच्चे ट्विंकल शर्मा और शैलू दलाई इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं। तो इनको चयनित करने के पश्चात मैंने उनके द्वारा दी गई पुस्तक से इनको पढ़ाने के लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास किया, जिसमें बच्चों ने भी मेरे साथ सहयोग किया और आगे अच्छा हर स्टेप में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तीन स्टेप में प्रथम आने के बाद राष्ट्रीय स्तर में भी चयनित हुए, जिसमें हमारी शाला की सभी शिक्षकगणों ने अपना पूरा योगदान दिया और उनको गाइड करने के लिए पूरा साथ दिया। राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता रखी गई थी वो काफ़ी हाई लेवल की थी, जिसमें हमारे बच्चों ने पूरा प्रयास किया और तीसरे स्थान पर पंजाब के साथ इनका टाई हो गया था, जिसमें उन्होंने टाई ब्रेकर का यूज़ किया और बजर राउंड रखा था, जिसमें हमारे बच्चों ने भी उस आंसर को देने के लिए एकदम तैयार थे, लेकिन एक पल की देरी से हम चौथे स्थान पर आ गए। आगे हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये जो भी है बजर का राउंड, इसमें भी हम थोड़ा सा मतलब समय पर बजर हिट कर सके, ऐसी वाली सुधार करने का प्रयास करेंगे। बच्चे जानकारी थी फिर भी हम चौथे स्थान पर आए, इसके लिए थोड़ा सा तो हमारे पास और प्रयास की आवश्यकता है। लेकिन एक गर्व की बात है कि हमारे स्कूल की शालाएं, शासकीय कन्या स्कूल की शालाएं, शाला की लड़कियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है, जिस पर हमें उन बच्चों पर नाज है। निसंदेह शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला वैशाली नगर के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है और अविस्मरणीय क्षण है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हर स्टेट के पार्टिसिपेंट्स आए थे, उनके बीच में जाकर हमारी शाला की ट्विंकल शर्मा और शैलू दलाई ने जिस आत्मविश्वास के साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, प्रश्नोत्तरी जो पूछी गई उनसे उसका जवाब दिया, टक्कर तो बहुत कांटे की थी, तीसरे स्थान के लिए टाइप हुआ और वो पंजाब की टीम के साथ उनका टाइप था और उनको चौथा स्थान पर संतुष्ट होना पड़ा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सीढ़ी दर सीढ़ी तय करते हुए इतने ऊंचे स्थान पर वो पहुंची हैं, उनका आत्मविश्वास और मैडम हांडा जो रितु हांडा मैडम जिन्होंने उनको मार्गदर्शन दिया, इन लोगों की ही वजह से आज हम कह सकते हैं कि हमारी शाला को ये गौरव का दिन देखने को मिला। हम अपने शाला की ओर से और पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई देते हैं। हमारी शाला की दो छात्राएं ट्विंकल शर्मा और शैलू दलाई ये सेंट्रल रीजन को रिप्रेजेंट करते हुए नेशनल तक गई थी और वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए थर्ड पोजीशन में टाई हुआ उनका और फोर्थ पोजीशन उनको मिला। तो पूरे शाला परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और इस क्षण के लिए जो गौरवान्वित किए हैं उन्होंने हमारे स्कूल का नाम, उसके लिए भी बहुत बधाई बधाई। और सेंट्रल रीजन में जाना भी उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि पहले स्टेट लेवल पर उनका कोरबा में हुआ था, वहाँ भी वो फर्स्ट आई, फिर सेंट्रल रीजन में गई इंदौर में, उज्जैन में, वहाँ भी वो उन्होंने फर्स्ट पोजीशन पाया और उसके बाद वो नोएडा में वहाँ पर गई दिल्ली में, जहाँ पर उनका बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा। लेकिन थोड़े से कारण वो चूक गई, लेकिन कोई बात नहीं, आगे और प्रयास करेंगे और थोड़ा सा प्रयास के कारण वो बजर राउंड में शायद इनसे थोड़ी सी चूक हो गई, जिसमें प्रैक्टिस करेंगे और इस टाइप का आयोजन अगर आगे होता है तो निश्चित तौर पे ये लड़कियां और अच्छा करेंगी और शाला का नाम जो है पूरे नेशनल लेवल पर गौरवान्वित करेंगे। और इस बार भी सेंट्रल रीजन को रिप्रेजेंट करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, उससे स्कूल परिवार, शाला परिवार जो हमारा बहुत गौरवान्वित है और प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पर तो है ही, स्टेट लेवल पे भी उन्होंने अपने स्कूल का नाम को रोशन किया है।
तो पूरे शाला परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए भी इस तरह के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। इस शाला की प्राचार्य बघेल मैडम का हमेशा से ही प्रयास रहा कि हमारी शाला का नाम उच्च स्तर तक जाए। आज इन बच्चों ने मैडम का वो सपना पूरा किया है। ये बच्चे न केवल टेंथ बोर्ड में अबव 90% वाले हैं, बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ये हमेशा पार्टिसिपेट करने के लिए उत्साहित रहते हैं और हांडा मैडम के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। न केवल स्कूल आवर्स में, बल्कि स्कूल आवर के पहले, बाद, छुट्टियों में हमेशा ही ये उत्साहित रहते हैं कि हम कुछ सीखें। तो जब इस प्रतियोगिता के बारे में इनको जानकारी मिली तो सबसे पहले वो आगे बढ़े और हांडा मैडम ने भी पूरे उत्साह के साथ उनका साथ दिया और भी सभी टीचर्स ने जब जब इनको मौका मिला इनको निर्देशित किया, गाइड किया और ये हमेशा से ही आगे रही हैं। और बहुत ही वो क्षण हमारे लिए गौरवान्वित था जब पहले तो ये पता चला कि इनका चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ है और एक सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने उच्च स्तर तक जाना ही अपने आप में एक गर्व की बात है। ये बहुत बड़ा ही प्राउड मोमेंट है इस शाला के लिए, इस ज़िले के लिए कि इस वैशाली नगर कन्याशाला की दोनों छात्राएं ट्विंकल और शैलू उच्च स्तर पर गई और तृतीय स्थान में टाई होने के बाद चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। इनके साथ यहाँ इस ज़िले के बहुत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी गए थे, सभी को इन्होंने पछाड़ दिया। तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ और बधाई। कहते हैं कि गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। जी हाँ, गोविंद से पहले गुरु के चरण स्पर्श करना हमेशा लाभकारी होता है, जिसके बारे में खुद गोविंद ने भी बताया है। ऐसा ही इन दोनों छात्राओं ने किया और आज इनके शिखर पर पहुंचने की राह आसान होती जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।